नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एग्रीकल्चरल नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीके खाद 12-61-00 के बारे में कि आप लोग इसका किस समय उपयोग करें तथा इसका उपयोग कौन सी फसल में करना है तब आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन सब के बारे में पूरे डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कृषि से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीके खाद 12-61-00 के बारे में। तो एनपीके अर्थात जो इसमें 12% नाइट्रोजन तथा 61% फास्फोरस तथा इसमें पोटेशियम की मात्रा 0 होती है, तो इसमें ये दो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं जो कि आपकी फसलों के लिए अगर उसमें आपको पैदावार बढ़ाना हो या फिर जड़ का विकास नहीं हो रहा हो या फिर पौधे की वृद्धि नहीं हो रही हो तो इस समय आपको इसका छिड़काव जरूर करना चाहिए, जिससे कि आप देखेंगे उसमें फसल की जो पैदावार है वह बढ़ जाएगी तथा जड़ों का विकास बहुत ही तेज़ी से होगा। तो अगर आपकी फसलों में ऐसा समस्या दिख रही हो तो आप लोग इसका फोलियट स्प्रे जरूर करें, जिससे कि आप लोग के जड़ों का विकास हो सके और पौधे की वनस्पति वृद्धि हो सके और उसमें जो पीलापन होने लगता है उन सब से भी आपको छुटकारा देगा, क्योंकि इसमें 12% नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन का काम ही होता है कि वह क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की मात्रा बढ़ने से पौधे अच्छे से भोजन बना पाते हैं और वह पौधे की वृद्धि करते हैं। जब उसमें भोजन अच्छे से बनेगा और वह क्लोरोफिल की मात्रा को एब्जॉर्ब करेगा तो वह आपकी पौधे को स्वस्थ रखेगा। तो किसान भाइयों, अगर आपकी पौधे की वनस्पति वृद्धि नहीं हो रही हो या फिर जड़ों का विकास नहीं हो रहा हो तो उस समय आप इसका उपयोग करते हैं तो आप लोगों को सही रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इसे कितनी मात्रा में आपको फोलियर स्प्रे करना है। तो इसका आप लोग 1 kg लेकर के उसको 150 से 170 लीटर पानी में मिला करके फोलियर स्प्रे कर सकते हैं और इसको आप किसी भी इंसेक्टिसाइड या फिर फंगीसाइड के साथ मिला करके भी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर बात की जाए कि आप इसका उपयोग कौन कौन सी फसल में कर सकते हैं तो इसका उपयोग आप लोग सब्जियों के फसल जैसे बैंगन की फसल हो या फिर जो टमाटर हो, भिंडी हो, मतलब आप लगभग सभी प्रकार की सब्जियों में इसका उपयोग कर सकते हैं और फल वाली जो फसल है जैसे वह अंगूर, अनार, सेब, अमरूद, इन सब में भी आप इसका फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। और भी दूसरी जो धान की फसल हो, अगर उसमें नाइट्रोजन की कमी आप लोग को दिख रही हो या फिर फास्फोरस की, तो उसके लिए भी आप लोग इसका फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अगर प्राइस की बात की जाए तो यह आप लोगों को लगभग 120 रुपये प्रति 1 kg देखने को मिलती है। इसका मार्केट में कहीं कहीं कम या ज़्यादा भी प्राइस अलग अलग कंपनियों के हिसाब से हो सकता है, तो वो लोग आप लोग अपनी मार्केट में पता करके अपने हिसाब से ले सकते हैं, नहीं तो मैं ऑनलाइन भी परचेस अगर कर सकते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आप लोगों को ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।